हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर प्यूरी, जिसके लिए हमारे पास कुछ फलियां, दो प्याज, दो मीडियम साइज़ के टमाटर और एक बड़ी शिमला मिर्च है। देखिए, मैंने यहां पर इन सभी वेजिटेबल्स को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पैन में हमने एक बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। प्याज भुन जाने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और इसको गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, एक चम्मच हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके इसमें सभी वेजिटेबल्स डालेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाएं। और अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक सब्ज़ी को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सब्ज़ी में अच्छा रंग देने के लिए हम इसमें देखी मिर्च डालेंगे आधा चम्मच और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमारी सभी सब्ज़ियाँ कच्ची है, इसलिए इनको पकाने के लिए हम इसमें आधा कटोरी पानी की भी डालेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से गल जाएं। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 7 से 8 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, सभी सब्ज़ियाँ गल चुकी है हमारी और ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने एक छोटी प्याज और दो हरी मिर्च इस शेप में काटा था, जिसको हम अब डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्ज़ी। अब हम इसमें पनीर के स्लाइस डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको देखते हैं। देखिए, हमारी पनीर प्यूरी एकदम तैयार है, तो अब इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे।